हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ न्यू चैप्टर चैप्टर टू फ्रैक्शन. ठीक है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ होल. इट मीन्स किसी पूरे का एक पार्ट. जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा स्लाइस लिया. ठीक है, पिज्ज़ा स्लाइस, पिज़्ज़ा ऐसा होता है. ठीक है, होल पार्ट. अब इसके मैंने स्लाइसेस किए, फोर पार्ट किए. ठीक है, अब इसमें से एक पार्ट मैं किसी को दे देती हूँ, तो यानी कि इस पूरे का क्या हुआ, एक पार्ट हो गया. ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? फोर है तो टोटल फोर नीचे आ जाएगा, और एक पार्ट मैंने किसी और को दिया, यानी कि उसका पास कितना गया, वन फोर्थ पार्ट. ठीक है, यानी फोर का वन पार्ट उसके पास गया. तो क्या हुआ, ये जो फॉर्म है वो क्या हुई, मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, ये हुआ, सॉरी ये हुआ फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन का जो टॉप पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन का टॉप पार्ट होता है न्यूमरेटर. ठीक है, एंड फ्रैक्शन का बॉटम पार्ट होता है डिनोमिनेटर. ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लिखते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में. ठीक है, ये अपॉन की फॉर्म में, तो ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहाँ पर ए क्या है, न्यूमरेटर, एंड बी क्या है, डिनोमिनेटर. ओके, देन हियर सिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फर्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड वल्गर फ्रैक्शन, थर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर इम्प्रॉपर आपने पहले भी पढ़ रखा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, फिफ्थ है मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड सिक्स्थ लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, ये है सिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन. इसके अलावा आपने लाइक और अनलाइक के बारे में भी पढ़ा है. ठीक है, फर्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन. व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 और एनी अदर हायर पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/10 ले लिया, 33/100 या 1000 ले लिया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन. यानी 10 या 10 की कोई पावर, हायर पावर होती है वो डिनोमिनेटर में हो, तो वो क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, वो क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन होता है, वल्गर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ होल नंबर अदर देन 10 और एनी अदर पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन. ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है. इसमें 10 की पावर मैंने डेसिमल में बताया, 10 या 10 की हायर पावर. ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर या तो इसमें 10 और 10 की पावर के अलावा, जैसे कि 6/11 ले लिया, 3/4 ले लिया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 और 10 की पावर, हायर पावर के या फिर दूसरी पावर के अलावा डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, इसमें 10 और 10 की पावर होती है और इसमें नहीं होती है, इसमें दूसरा होल नंबर होता है. ठीक है, तो वो होता है वल्गर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहां पर क्या हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जैसे कि मैंने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते मैंने आपको बताया, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ए इज लेस देन बी. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/13, इसमें क्या है, ये जो डिनोमिनेटर वो क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा. ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इट मीन्स 4/2 या फिर 46/41, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है?
मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन लाइक ए इज टू बी अपॉन सी, यानी कि इस फॉर्म में होता है ए बी अपॉन सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एक तो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये फॉर्म जैसे 2:1/3 है, ठीक है। ये क्या हुआ, होल नंबर भी और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4 एंड 4/8। अब ये जो पूरा है नंबर सीरीज है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सेम वैल्यू को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। जैसे कि 1/2 है, अब इसको भी मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये भी क्या आता है, 2 की टेबल से कट होता है तो 1/2 आता है। इसमें भी 4 के टेबल से कट होके ये क्या आ रहा है, 1/2, यानी इक्वल क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये अगर सेम वैल्यू आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि ये इसका 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से, 2/4, 4/8 और कौन से हो सकते हैं, 4/8 एंड 6/12, ठीक है। ये भी क्या हो सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। थैंक यू।